देश में कोरोना से जंग जीतने में गांव की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और यदि गांव इस कोरोना से सुरक्षित है तब तक देश भी सुरक्षित रहेगा और जल्द ही हम इस कोरोना रूपी जंग को जीतेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी अवधारणा के साथ आज जो पुष्कर के निकटवर्ती डूंगरिया गांव है वहां पर कड़ेल सरपंच महेंद्र सिंह मंझेवला की प्रेरणा से जो वहां पर शिक्षिका है और जो साथ ही होम क्वारंटाइन में ड्यूटी भी दे रही है रोशनदीप श्रीमाली, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने गाँव में एक पेंटिंग बनाई है, साथ ही एक नाटक का मंचन भी ग्रामीणों की मदद से किया है। इस नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया है कि यमराज बनाम कोरोना की यह जो जंग है, और यदि हम इसमें अगर सावधान नहीं रहे तो निश्चित रूप से यमराज की जीत हो जाएगी, इसलिए हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। और साथ ही वहाँ पर जो सरपंच है महेंद्र सिंह कड़ेल, उन्होंने भी कहा है कि पंचायत की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है और साथ ही साथ पंचायत में लगातार मास्क और सैनिटाइज भी वितरित किए जा रहे हैं ताकि गाँव में जो सुरक्षा की जो कड़ी है वो टूटे नहीं और कोरोना की जंग हम जरूर जीते। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर स्वामी न्यूज। मैं अमराज आप कोरोना रहेगा तो हम एक होटल लेके हम आएंगे, हम घरों में तुम घरों में नहीं रहेंगे तो हम वायरस आएंगे, हम आएंगे आप घरों में नहीं रहेंगे नहीं हम करने वाले हम आपका आएंगे। बोल बोल मैं हूँ कोरोना, बोल घर में नहीं रहोगे तो हम आएंगे, मैं हूँ कोरोना। आज का ये कार्यक्रम है, हमने ग्राम डुमरिया खुर्द में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है ताकि लोग सजग रहे और गांव में जो मास्क वगैरह नहीं बांध रहे हैं उन लोगों को हमने मास्क और सैनिटाइजर वगैरह आज बांटने का प्रोग्राम रखा। उसके तहत हमने थीम रखी है यमराज और कोरोना। तो इनको हमने ये कहा है कि अगर आप मास्क नहीं बांधेंगे तो आपके द्वार पर ये यमराज आ जाएगा और ये इसका दोस्त कोरोना भी आपके साथ में खड़ा है। इस तरह से हमने ग्रामवासियों को आज एक मैसेज दिया। मेरे साथ में हमारे गाँव के पटवारी जी और अहमान साहब और सरपंच साहब वगैरह पूरे संपूर्ण ग्रामवासियों ने मुझे सहयोग किया। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें जो मेरा मानना है कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि जो आत्मा है वो गांवों में रहती है, और अगर हम गांवों में ही अगर हम अच्छा कर लेंगे तो हो सकता है हम कोरोना रूपी जो ये युद्ध हम लड़ रहे हैं इसे जीत जाएंगे। और मैं चाहती हूँ मेरा गाँव सुरक्षित रहे क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है, मैं गाइड कैप्टन और एक शिक्षिका भी हूँ, तो इसके नाते मेरा पहला धर्म ये है कि मैं अपने गाँव को सुरक्षित कर सकूँ। महामारी के बचाव के लिए गाँव वालों को आज शिक्षा दी गई, यमराज और कोरोना का एक वो बनाया गया, वो बना के गाँव वालों को बताया गया कि भाई कि इस महामारी से बचें, सावधानी रखें, और इसके लिए हमने हर गांव में हर घर में मास्क का वितरण किया है और सैनिटाइजेशन का वितरण किया है, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आटा और सब्जी का वितरण भी हमने किया है। आप गाँव वालों को क्या अपील करना चाहते हैं? हम गाँव वालों से यही अपील करना चाहते हैं कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और जो आह्वान किया है सरकार ने उसको माने।